चंद्रयान के सक्सेस के बाद हमारे देश का इसरो अब एक नई उड़ान भरने वाला है। इसरो चंद्रयान 2 को लॉन्च करेगा। ध्यान रहे कि चांद पर पहली बार पानी की खोज चंद्रयान 1 ने की थी और अब यह उम्मीद है कि चंद्रयान 2 भी चांद पर कोई चौंका देने वाली खोज करेगा। वेल, चलिए हम जानें चंद्रयान 2 के बारे में। हे फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं रन विद साइंस। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। इस मिशन के 3 भाग हैं, चंद्रयान 2 लैंडर, चंद्रयान 2 रोवर और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से चांद का चक्कर लगाता रहेगा। ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा होगा जिससे वह चांद की तस्वीरें लेगा और लैंडर और रोवर पर नजर रखेगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। उसके बाद चंद्रयान 2 का लैंडर की बारी आती है जिसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया है। इसे विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। यह लैंडर 15 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा और चंद्रयान के रोवर को भी यह लैंडर चांद पर उतारेगा। उसके बाद रोवर की बारी आती है जिसे प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया है। यह रोवर पूरी तरह से सोलर पावर पर चलेगा और इसमें 6 चक्के लगे हैं। यह पूरी जिंदगी में चांद के 500 मीटर तक के हिस्से में ही इधर उधर घूम पाएगा। यह चांद के साउथ पोल में उतरेगा और 60 सेंटीमीटर पर मिनट की गति से यह चांद पर घूमेगा। इसमें 1 मेगापिक्सल का 3D कैमरा लगा होगा जो कि चांद के माउंटेन्स, टेरेंस, उन सब की 3D इमेज बनाएगा। प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूमकर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को वैज्ञानिकों को भेजेगा। प्रज्ञान इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद लेगा जिसे IIT कानपुर के प्रोफेसर आशीष दत्ता और KS वेंकटेश ने तैयार किया है और मून मिशन के रोवर के लिए कुछ ही चुनिंदा देश ही सॉफ्टवेयर बना पाए हैं और भारत उनमें शामिल हो चुका है। चंद्रयान 2 चांद पर फिर से पानी का स्रोत तलाशेगा, वहां पर मिनरल्स की खोज करेगा, चांद की मिट्टी के केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगा और चांद की तस्वीरों को हमें भेजेगा। चंद्रयान 2 चांद पर जीवन की संभावना तलाशेगा। चांद पर केमिकल्स का परीक्षण करने के लिए यह लगभग 15 एक्सपेरिमेंट्स करने की क्षमता रखता है। यही नहीं, इसमें IIT द्वारा निर्मित ग्रीन जेल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फ्यूल से प्रदूषण 40% तक कम होगा और चंद्रयान 2 को दोगुनी गति मिलेगी। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV-MK-3 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट से चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में ही 375 करोड़ लग जाएगा और चंद्रयान 2 603 करोड़ का है, मतलब यह पूरा मिशन 978 करोड़ का है। 6 या 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चांद पर पहुंचेगा और इसके 5 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा जिसे जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा और भारत का इसरो मिलकर बनाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।